आप लोगों की अपनी मर्जी है, जैसा आप करो। तो करंट में हम बात करने जा रहे हैं आज, हम ये बाद में भी मैं बात करूंगा, अभी इसकी स्टार्टिंग है। कुछ बेस बता देता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। मैं बात करने जा रहा हूं G7 की, G7 की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। ये जो G7 है, ग्रुप 7, ग्रुप 7, ठीक है, ग्रुप 7 है ये। अब आप देखिए, G7 मतलब 7 देशों का ये समूह है। तो जहां जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं, कौन सा देश नहीं है ये बनता है। G20 के संबंध में IAS में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, 4 कॉलम दे दिए कि बताओ कौन सा जोड़ा गलत है, मतलब कौन से 4 ऐसे देश है जो G20 के अंदर नहीं है, ऐसा आ चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से G7 है, आपने अखबार में, आज के अखबार में पढ़ा होगा या जाके पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली रवाना होंगे। तो एक बात हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए, जो सबसे परमानेंट क्वेश्चन होता है यहाँ का, वो ये होता है कि G7 की बैठक 2024 में कहाँ हुई, या आता ही है, ठीक है ना, ये चीजें तो कहाँ हुई ये वैसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसका बेस देखेंगे तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये होनी चाहिए कि ये जो G7 है ये बना कब था, ठीक है ना, इस्टेब्लिश कब हुआ, हल्की सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है कि आपका थोड़ा मजबूत डाटा हो जाता है। तो इसमें लिख दीजिए, इसकी जो फॉर्मेशन है 1973, मार्च 1973, 7 देशों का समूह है, 7 देशों का समूह है, ठीक है ना, 7 देशों का समूह है ये। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं, कनाडा, ठीक है ना, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ठीक है ना, कनाडा। दूसरा लिखिए फ्रांस, एमैनुअल मैक्रो, एमैनुअल मैक्रो। जर्मनी, जर्मनी ओलाफ, ठीक है ना। इटली, जियोर्जिया मेलोनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है ना, उस दृष्टि से नहीं है जिस दृष्टि से आप सोच रहे हो। अपने प्रधानमंत्री भी क्या थोड़े लिखो इसके आगे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है ये, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, जापान, जापान, जापान के आप जानते हो फूमियो किशिदा, ठीक है ना, फूमियो किशिदा इसके प्रधानमंत्री है। यूके, जो बाइडन, सॉरी ऋषि सुनक, माफी चाहूंगा। यूएसए, ये जो बाइडन है। चलें, तो 7 देशों का ये समूह है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसमें भारत क्या है, एक सहयोगी के तौर पर जाता है, गेस्ट के रूप में जाता है, भारत इसका सदस्य नहीं है, ये ध्यान रहे।
क्योंकि आपके जो ग्रुप्स होते हैं ना, कोई भी संगठन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उस पर एक पैटर्न क्वेश्चन का ये भी है कि निम्न में से किसका सदस्य भारत नहीं है। मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको भेजा भी था, जो कि अभी पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर आया था, कि किसका सदस्य भारत नहीं है। उसमें कई नाम दे रखे थे, इब्सा, G20, हालांकि आपको सारे नाम पता भी नहीं है ना, तो भी आप उसको कर सकते थे, क्योंकि जिसको ये नहीं पता कि ब्रिक्स में भारत है या नहीं, G20 में भारत है या नहीं, यदि दो ही आपको ये पता होते तो ही आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे। और नॉर्मल सी बात है कि ब्रिक्स में भी भारत है, G20 की तो बैठक ही हुई है यार, तो उसमें तो कैसे निकाल सकते हो आप सारे। ये है, अब आ जाइए इसकी जो बैठक है। अब जो बैठक हो रही है, पहले तो इसके ऐसे लिखिए, इस बार इसकी पहली बैठक लिखो, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। पहली बैठक लिखिए इसकी, लिखिए फ्रांस, पहली बैठक लिखिए फ्रांस, यहां हुई थी। चलते 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 गए हम, और अब जो 2024 में इसकी बैठक हो रही है, ठीक है ना, ये 50वीं बैठक है। तो मेरे हिसाब से आप मेरी बात को थोड़ा समझ गए होंगे कि मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, ठीक है ना। 50वीं बैठक है, 25वीं बैठक है, आज का अखबार आप पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है 50वीं बैठक। तो खुद अंदाजा लगा दीजिए, अखबार ने हेडिंग में डाला है इसको, तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं, 50 का हो गया तो वो अपने आप में हो गया। देखो यहां जो है, ये 2024 है, ये कब हुई क्या हुई ऐसे नहीं है कुछ भी, मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट है, पुगलिया। पुगलिया यदि आपको दिक्कत करेगा तो इसमें करेगा। इटली सबको पता होगा, लेकिन इटली का एक शहर है पुगलिया, वहां पर हो रही है ये, पुगलिया शहर में हो रही है ये। अब यहां कई मुद्दे उठाए जाएंगे, अब उन पर थोड़ा आप देख लेना जब वो आए, तो मैं बता देता हूं। एक तो ऊर्जा संकट, ठीक है ना, जैसे ग्रीन हाउस वो जो होते हैं ना, ग्रीन एनर्जी वगैरह हो गई, ये ऊर्जा संकट इसका मुद्दा उठाएंगे। एक हाँ है, नहीं वो गैप पड़ जाते हैं ना, हर साल थोड़ी कराना है अपनों ने, कई बार नहीं होते हैं इसके अंदर। किसकी? हाँ तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसकी पहली बैठक की यदि आप बात करोगे, मैंने लिखा दिया क्या फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांस के ब्रैकेट में लिख दो 1975, पहली बैठक 1975 के अंदर हुई थी। दूसरी की बात करोगे 76 में, फिर 77 में, बीच में किसकी? उन्नीस सौ तिरानवे की स्थापना बता दी मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये ऐसे है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। देखो कई बार क्या होता है, जैसे इस ग्रुप को जब कभी आप देखोगे तो G7 तो ये बाद में बना, कभी किसी रूप में ये G4 के रूप में रहा, कभी G5 के रूप में रहा, ऐसे भी इसके इसका इतिहास बताता है इसको, ये भी इसका है। जैसे ब्रिक्स है, पहले चार थे, फिर पांच हुए, फिर आगे इसमें बढ़ते गए, मैंने आपको बताया था ये सारा, ये है, ठीक है ना। तो ये पुगलिया नामक शहर ध्यान रखना। दूसरा लिख दीजिए इजराइल हमास, इजराइल हमास का जो मामला चल रहा है ना, इस पर ये बात करेंगे। अब क्या आता है, कैसे आता है, वो भविष्य के गर्भ में है। अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सात देशों का समूह है, सात देश ये है, भारत यहां जाएगा, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में जस्ट क्लिक करेगा कि प्रधानमंत्री जी गए हैं तो इसका मतलब हम तो इसके मेंबर हो ही गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे भारत आसियान बैठक, तो
तो हमारे दिमाग में आ जाएगा आसियान का सदस्य भारत है लेकिन नहीं है। क्लियर? आइए एक और लिखना चाहो तो लिख दीजिए, आतंकवाद टेररिज्म, इस पर बात करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास इतनी ही है, इसके अलावा आगे देखेंगे जब वो जाएंगे क्या बात होती है, कोई बहुत बड़ी कोई बात आ जाए, चीजें आ रही है, हो सकता है इस पे कुछ नया उभर कर आए, लेकिन अभी इसको छोड़ना पड़ेगा हमें। एक आपने देखा होगा, एक हमारे यहाँ न्यूज है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, हुआ ना अभी जून 2024 में, जयपुर के भी यात्री मारे गए थे इसके अंदर, हुआ था ना सारा आतंकवादी हमला हुआ है। चलें, अब ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये यदि अपने जम्मू कश्मीर में हुआ है, लेकिन कई स्थान यहां हाईलाइट किए गए, कई स्थान यहां हाईलाइट किए गए, ठीक है ना। इसमें एक स्थान हाईलाइट किया गया रियासी, और भी है स्थान, ऐसी बात नहीं है, रियासी स्थान हाईलाइट किया गया। ठीक है, तो ये जो रियासी है बताएगा कोई, यहां लिथियम के भंडार मिले हैं, लिख दीजिए चाहे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां लिथियम के भंडार मिले हैं, कठुआ है, डोडा है, यहां ये हुआ। ठीक है, रियासी, कठुआ, डोडा। अब इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने एक बैठक की है, उच्च स्तरीय बैठक। अब ये जो उच्च स्तरीय बैठक की है ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये अपने तरीके से कहेंगे हम इसको कैसे निपटें क्या करें। यहां पर जब आप अखबार में पढ़ोगे तो आपको वहां पर एक नाम मिलेगा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये आया हुआ है। ठीक है ना, ये है अजीत डोभाल, एक दो पिक्चर भी बनी हुई है इन पर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। चले, तो इस देखरेख में है ये। अब ये क्या है कैसे है वो तो देखो, चर्चाएं होती है इनकी, अखबार में इतना हाईलाइट नहीं करते हैं इसको, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये रियासी शब्द इंपोर्टेंट है और एक ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, अभी ऐसे बन जाता है कई बार क्वेश्चन की, ये भी जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था, ठीक है ना, जैसे अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का रियासी नामक स्थान चर्चा में रहा किस कारण से, अब उसमें क्या है, हो सकता है वो लिथियम के भंडार की बात ना कहे, वो आतंकी हमले की बात कह दे, तो बन जाता है ये, और ये क्वेश्चन पुराने पेपर देखोगे तो आया हुआ है। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।